हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स ट्रबल शूटर मयूर शर्मा एक बार फिर आपके सामने। आज का टॉपिक है हमारे वीडियो का इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, डाई का मतलब यहाँ पर है दो से, और पोल मतलब है पोलरिटी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो हमारे पास में इस तरीके से, अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर ये दो चार्ज हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। तो चार्ज का दूसरा नाम होता है पोलरिटी, यानी कि हम चार्ज बोलते हैं तो चार्ज की जगह पे नेगेटिव और पॉजिटिव पोलरिटी दोनों बोल सकते हैं। तो डाई मतलब दो, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज हैं और पोलरिटी दोनों की अपोजिट है, एक नेगेटिव है और एक दूसरी क्या है पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है हम उसको बहुत कम लेते हैं। तो डाइपोल एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि अगर ये माइनस टू माइक्रो कूलाम है तो ये प्लस टू माइक्रो कूलाम होगा, ये माइनस फाइव है तो ये प्लस फाइव होगा। तो दोनों इक्वल होते हैं लेकिन पोलरिटी अपोजिट होती है, और इनके बीच में ये जो डिस्टेंस होती है वो लेते हैं हम 2L, ठीक। अब बात आती है कि इनके बीच में हम डिस्टेंस 2L क्यों लेते हैं। इनके बीच में डिस्टेंस 2L लेने का रीज़न ये है, हम L भी ले सकते थे, A ले सकते थे, R ले सकते थे, D ले सकते थे, तो यहाँ पर हम 2L, 2D, 2R ही लेंगे। तो ये टू टर्म जो हमने, टू फैक्टर जो हमने यहाँ पे लगाया है, तो ये क्यों लगाया है। बेसिकली यहाँ पर हमें किसी भी सिस्टम को समझाने के लिए एक ओरिजिन की ज़रूरत पड़ती है, एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, या एक स्टार्टिंग पॉइंट की ज़रूरत होती है। अगर हम ये डाइपोल में हम कुछ भी आगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल या ये सब चीज़ें निकालते हैं तो हमें एक पॉइंट की डिस्टेंस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकालनी पड़ेगी जो डाइपोल से रिलेटेड हो। तो मैं प्लस से लूँ या माइनस से लूँ तो कन्फ्यूज़न है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ से इनका जो मिड पॉइंट है O, इसको ओरिजिन मान लेता हूँ और सारी डिस्टेंसेज मैं इस ओरिजिन से लूँगा। अब ये ओरिजिन जो है वो बीच में आ गया, तो यानी बीच में आने का मतलब ये हमारे पास में ये L और ये L, ये समझ में आ रही है। तो ये 2L जो है वो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, L इधर, L इधर, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर मैं इसको L लेता तो मुझे ये L बाई टू और L बाई टू लेना पड़ता। तो L बाई टू लेने से जो हमारा फॉर्मूला बन के तैयार होता है तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब कॉम्प्लेक्स का मतलब उसको याद करना और उसको यूज़ करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल काम होता है। कर तो हम वैसे भी सकते हैं लेकिन हम अपने काम को मुश्किल क्यों बनाएं, तो हम अपने काम को आसान बनाना चाहते हैं। तो आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि L की जगह पे 2L लेते हैं और ये LL दो जगह पर डिवाइड हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं और ये हमारे पास में 2L डिस्टेंस होता है। तो कभी कभी बच्चों आप एक टर्म पढ़ोगे आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल वो होता है जिसमें डिस्टेंस बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू द चार्जेस, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस बहुत छोटा होने पर और चार्ज बड़ा होने पर हम इसको एक आइडियल डाइपोल का नाम देते हैं। तो आइडियल डाइपोल इज़ बेसिकली अ शॉर्ट डाइपोल विच हैज़ वेरी सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज़ वेरी स्मॉल एंड द चार्जेस आर लार्ज इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब बात आती है, ये तो चलो सिस्टम हो गया, डाइपोल हो गया। अब हर बार हमें यहाँ पर फिजिक्स में क्या होता है कि डाइपोल को स्टडी करने के लिए, डाइपोल को एक पहचान देने के लिए, आइडेंटिटी देने के लिए और इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में लाने के लिए हमें इसको एक आइडेंटिटी देनी पड़ती है, यानी कि हम एक फिज़िकल क्वांटिटी बनाते हैं जो डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता है।
और फिर उस डायपोल की स्ट्रेंथ को हम फॉर्मुलों में यूज़ करते हैं और डायपोल की स्टडी करते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास में यहाँ पर क्वांटिटी, जो हम यहाँ पर नई क्वांटिटी पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की ज़रूरत क्या है? जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंसेप्ट था और फिर उसको हमें यूज़ करने के लिए एक क्वांटिटी बनानी पड़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम अलग अलग जगहों पे यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारे पास में इलेक्ट्रिक डायपोल एक कंसेप्ट, एक सिस्टम है और इसको हमें यूज़ करना है अलग अलग जगहों पे, तो हम इसलिए इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, एक नई क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको मैथमेटिकल इक्वेशंस में यूज़ करते हैं। किसी भी सिस्टम का यानी किसी भी डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी से डिनोट किया जाता है और इस पी का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू टू एल। ठीक जैसे कि मैंने इस पे एरो लगाया है तो हमारा पी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है मेरे बच्चे। तो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास में है पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल, तो q इंटू टू एल वैक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक। और हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसको बताता है? स्ट्रेंथ को बताता है कि हमारा डायपोल की स्ट्रेंथ क्या है। जैसे चार्ज की स्ट्रेंथ, चार्ज हम उसको बोलते हैं 2 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, ऐसे ही डायपोल का भी जो इफेक्ट अगर हमें स्टडी करना है तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डायपोल मोमेंट से रिप्रेजेंट की जाती है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, आइदर चार्ज मतलब किसी एक चार्ज का, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके बिहाफ पे हम इसको देखते हैं। यानी कि द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ द डायपोल एंड द सेपरेशन बिटवीन देम। आइदर चार्ज हम क्यों कह रहे हैं? आइदर चार्ज हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास में दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है, केवल इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। अब जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि इसकी ये वैक्टर क्वान्टिटी है तो इसमें एक डायरेक्शन भी होनी चाहिए। ये जो वैक्टर क्वान्टिटी है तो इसमें जो डायरेक्शन होगी वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ हम लेते हैं, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ हमेशा हम पी की डायरेक्शन को दिखाएंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होगी, ठीक है, ये फिक्स है। और ऐसा क्यों होता है वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अगर मुझे इसका यूनिट देखना है तो यूनिट होता है इसका क्यू का होगा कूलाम, टू एक नंबर है, एल क्या हो गया कूलाम मीटर, और डायमेंशन हो जाएगी चार्ज की होती है एटी और एम की होती है एल। तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है इसका ए टी एल और यूनिट हो जाता है कूलाम मीटर। ये चीज़ क्लियर है बच्चे? अब हम आगे देखें तो हमने डायपोल तो पढ़ लिया, अब हमें ये बात भी तो जानना चाहिए कि ये डायपोल जो होता है वो हमारी डेली लाइफ में कहाँ होता है और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो हमने एक वर्ड पिछले टॉपिक्स में सुना था डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो डाइइलेक्ट्रिक जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं उसको भी हम यहाँ पर एक बार दोबारा से देखते हैं। हमारे पास में केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास में जब कोई भी दो एटम मिलकर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तो वो बॉन्ड्स बनाते हैं। उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कौन से बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड्स जब बनते हैं तो इससे जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं दे आर ऑफ टू काइंड्स। पहला होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल और एक होता है हमारे पास में पोलर मॉलिक्यूल।
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें सिमेट्रिक एटम्स होते हैं, सिमेट्रिक एटम मतलब ऐसे एक जैसे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू अट्रैक्ट द इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एटम और द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे कि अगर हम देखें तो H2, तो H2 में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर ये शेयरिंग होती है, तो कोवैलेंट बॉन्ड में शेयर होता है किसका, ई और ई का। अब जब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे पास में H और ये H, तो ये हमारे पास में हो जाएगा ई। अब हमारे पास में जब हम देखेंगे तो ये सिमेट्रिकल होता है, यानी कि अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें प्लस माइनस चार्ज एक ही जगह पर इकट्ठा होता है। तो प्लस माइनस चार्ज यानी कि ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज को इंसाइड विद ईच अदर, और ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है, और ये जो बॉन्ड होता है वो इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ये आप ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो H और H से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, जिससे H और H इस पर कोई चार्ज नहीं आता। तो इसी तरीके से अगर हम देखें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके अंदर भी ये सारे के सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में आते हैं, और इस केस में एटम्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास में पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमारे पास में यहाँ पर HCl, तो ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन। तो अब होगा क्या कि हाइड्रोजन के पास में, तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हुआ क्या था कि इसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन था, इसके पास में एक प्रोटॉन था, तो एक प्रोटॉन इस पेयर को खींचेगा, एक प्रोटॉन इस पेयर को खींचेगा, तो जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना फोर्स इधर लग रहा है, तो इससे सिमेट्री मेंटेन है, यानी ये इक्विलिब्रियम में है। अब HCl जब हम मॉलिक्यूल लेते हैं तो ये भी एक कोवैलेंट बॉन्ड इसके बीच में होता है, इसमें यहाँ पर वन प्रोटॉन है और यहाँ पर 17 प्रोटॉन है, तो यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी बिकॉज इसमें 17 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, पार्शली नॉट परमानेंटली, यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन या जो है इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट करता है, वो हाइड्रोजन से दूर हो जाता है और क्लोरीन के पास आ जाता है। जब वो क्लोरीन के पास आएगा तो यहाँ पर हमारे पास में नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसे हम पार्शियल चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये शिफ्ट कर गया तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्ज इस पर आ गया एंड द पोलर मॉलिक्यूल इज बिकम हैज़ बिकम अ डाइपोल। तो हमारी डेली लाइफ में जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होते हैं, ठीक है, और जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास में डाइपोल्स नहीं होते। इसके अंदर हमारे पास में प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे से सेपरेटेड रहता है, तो ये माइनस और ये प्लस चार्ज हाइड्रोजन का अलग अलग है, तो यहाँ पे इनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है और इनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता, नॉन ज़ीरो होता है, यानी कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी इसलिए ये डाइपोल नहीं है, चार्ज इनके ऊपर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे चार्ज है, डाइपोल मोमेंट है और प्लस माइनस चार्ज सेपरेटेड है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास में जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी एक डायरेक्शन होती है। तो मैंने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव दिखाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जैसे ये हमारे पास में प्लस चार्ज अगर हम ले लें और ये माइनस क्यू चार्ज ले लें तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पी की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होगी।
अब ये हमारे पास में माइनस से जब ये प्लस की तरफ है तो माइनस से प्लस की तरफ होने की वजह से क्यों है, इसका रीज़न हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी हम फिजिक्स में कोई भी बात करेंगे तो प्लस के रेस्पेक्ट में करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट। जैसे हम करंट दिखाते हैं तो वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाती है, लेकिन अगर हम देखें तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन इज़ मूविंग फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। हमारा इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस जा रहा है, करंट हम दिखाते हैं प्लस से माइनस। ऐसे ही जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी किया था तो टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब हमने बनाई थी तो भी हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के चलने की डायरेक्शन में दी थी। तो फिजिक्स में सारी चीज़ें किसके हिसाब से बनी है, प्लस के, यानी कि माइनस चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में। तो डायपोल मोमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी एक डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी माइनस से प्लस। तो अब इसका रीज़न जो है वो ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे आर डिस्प्लेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डिस्प्लेस हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो वो इसके अपोजिटली जाता, तो P की जो डायरेक्शन है वो हम इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन आर डिस्प्लेस टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, यानी ये प्लस से माइनस की तरफ सरक गए, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम माइनस से प्लस दिखाते हैं, विच इज अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास में आज हमने यहाँ पर देखा कि इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, और इलेक्ट्रिक डायपोल हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर बच्चे क्या देखना चाहते हैं, अब एक कॉमन सी मिस्टेक होती है जो बच्चे ज़्यादातर करते हैं, वो क्या है कि हम जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालते हैं तो एक गलती जनरल बच्चे करते हैं, तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वो गलती आप ना करें। जैसे होता क्या है कि जैसे अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक डायपोल है जिसमें जो चार्जेस हैं वो प्लस माइनस 2 माइक्रो कूलाम है, ठीक है। तो वी हैव अ डायपोल विच हैज़ चार्जेस प्लस माइनस 2 माइक्रो कूलाम, यानी कि उसमें एक चार्ज प्लस 2 माइक्रो कूलाम का है और दूसरा माइनस 2 माइक्रो कूलाम का है, और वहाँ पर लिखा हुआ है कि द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज 0.2 मिलीमीटर। तो हमारे पास है प्लस माइनस 2 माइक्रो कूलाम के दो चार्जेस डायपोल फॉर्म कर रहे हैं, और डायपोल की जो लेंथ है वो 0.2 mm है। तो हमारे पास में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। तो जब ये P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L है तो जो हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास में 0.2 mm। अब बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं वो हमें ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू आपको दी हुई है दिस इज 2L नॉट द L। जैसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि हम दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस 2L लेकर चलते हैं, तो अगर क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस और द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज 0.2 mm, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये 2L हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 2 माइक्रो कूलाम इसको हमें किस में चेंज करना होगा, कूलाम में, क्योंकि हम सारी कैलकुलेशन SI यूनिट्स में करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो यहाँ पर कूलाम हमारा SI यूनिट है, L मीटर में होना चाहिए, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 0.2 × 10⁻³ मीटर। तो ये 2 × 10⁻⁶, अब हमें यहाँ पर पूरे 2L को सब्सिट्यूट करना है, L की जगह पर वैल्यू नहीं रखनी है भाई, और L की जगह पर आपने वैल्यू रख दी तो आंसर गलत हो जाता है, और ये बहुत एक कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, आपको इसको अवॉइड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में 0.2 × 10⁻³,
तो यहाँ पे 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू -6 एंड -9, तो -9। तो अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। एंड ऑब्वियस है डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होती है इसकी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो ये हमारी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और जो 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं, बड़े न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसमें हमें डायपोल मोमेंट निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो ध्यान रखिए कि टोटल डिस्टेंस 2L होती है, तो हमें 2L को रिप्लेस करना है, ना कि L को। ठीक है, अब हम एक और इसमें क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपने अलग अलग मॉलिक्यूल्स पढ़े होंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा H2O, तो H2O जो है वो एक तरीके का पोलर मॉलिक्यूल है। ऐसे ही इसी का एक एग्जांपल मैं कराने आपको जा रहा हूँ कि ये आपके केमिस्ट्री में भी काम आता है और फिजिक्स में भी काम आता है। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास में यहाँ पर एक ट्रायंगल जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब ये ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास में ये चार्ज -2Q, ये क्यू और ये +Q दिया हुआ है। ठीक, अब आपको इस सिस्टम का, ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो आपको इस डाइपोल मोमेंट का क्या करना है, सिस्टम देखना है। तो -2Q+Q, -2Q+Q, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी लेंथ 2L, 2L और 2L है, और इनके बीच में ये जो एंगल है वो 60 डिग्री हो जाएगा। अब आप कहोगे कि हमने तो डायपोल में ये पढ़ा है आपको कि एक -Q और एक +Q होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नहीं, दो डायपोल हमें दिखाई दे रहे हैं। अब बात आती है कैसे हम इस -2Q को ब्रेक कर लें -Q में और -Q में। तो इसका जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, तो हमारे पास में H2O होता है, तो ये O H H, तो यहाँ पर होता क्या है कि ये OH और ये OH इस तरीके से होता है। तो हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होगा, जो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, इट इज शिफ्टेड टुवर्ड द ऑक्सीजन, तो जिससे इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन की वजह से आता है। और ऐसे ही जब ये यहाँ से शिफ्ट करता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन पर अगर हम देखें, तो इसके और इसके कंपैरिजन में ट्वाइस चार्ज है। यही सिचुएशन कुछ आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर भी हमने ये जो क्वेश्चन बनाया है इस प्रैक्टिकल सिचुएशन पर बनाया है। इसमें यहाँ पर हमारे पास में ये जो एंगल है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, और जो चार्जेस हैं वो -Q, -Q दिए हुए हैं। तो जैसे ये H2O मॉलिक्यूल होता है, तो इसका अगर मुझे डायपोल मोमेंट निकालना है, तो डायपोल मोमेंट निकालने का तरीका यहाँ पर ये होगा। अब इसमें जैसे हमारे पास में एक डायपोल मोमेंट बनेगा P, और ये भी बनेगा P। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में वेक्टर सम या वेक्टर एडिशन होता है। अभी जब हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये हमारे पास इस तरीके से, अब ये दोनों वेक्टर इक्वल क्यों होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर चाहे हमारे पास P1 हो चाहे P2 हो, मतलब पहले एक डायपोल, यानी कि दिस इज़ द डायपोल नंबर 1 एंड दिस इज द डायपोल नंबर 2, तो ये P1 = P2, यानी कि P जिसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, Q × 2L। तो चाहे मैं P1 ले लूँ चाहे मैं P2 ले लूँ, दोनों की वैल्यू इक्वल है, दे आर इक्वल वैक्टर्स। हम जब इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए वी विल यूज़ द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर एडिशन का लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में ये इस तरीके से एक पैरेललोग्राम तैयार होगा,
और ये हमारे पास में पी नेट यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर जो पी नेट होगा इट विल बी अंडर रूट, तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास में पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर प्लस टू पी वन पी टू कॉस 60। अब ये कॉस 60 जो है हमारे पास 1/2 हो गया, और बाकी सभी जगह पे मैं पी प्लस पी प्लस टू पी पी 1/2 रख सकता हूँ। 2 से 2 कट जाएगा तो पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर, तो 3 पी स्क्वायर मेरे पास में है, और ये हो जाएगा रूट 3 पी। तो रूट 3 पी पी की वैल्यू कितनी है, क्यू इंटू 12। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2√3 क्यू एल। तो दिस इज द नेट डायपोल मोमेंट। अगर आपसे पूछे कि डायरेक्शन क्या है, तो आपको मैंने हमेशा बताया होगा पिछले जो भी जहाँ पर भी मैंने आपको वेक्टर सम कराए होंगे, तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि जब भी दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो एग्जैक्टली बीच में आता है। तो जब वो एग्जैक्टली बीच में आता है तो ये हमारे पास में एंगल हो जाएगा कितना, 30 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास में इधर भी 30 और ये एंगल भी कितना होगा, 30। तो हमारा जो नेट डायपोल मोमेंट है वो इस ट्राइंगल के हिसाब से एग्जैक्टली कहाँ आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, 30 इधर और 30 इधर। तो बच्चे हमने यहाँ पर देखा कि डायपोल, डायपोल मोमेंट, उसकी क्या डायरेक्शन, यूनिट, डायमेंशंस, उसको हम प्रैक्टिकली हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ देख सकते हैं, और ये दो न्यूमेरिकल जो मैंने आपको कराए हैं तो इनको अच्छी तरीके से आप तैयार करिए, कि आगे जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उसमें इन आपको हेल्प करेंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पूरी वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू।